देखिए घटना घटने के बाद तैयारियां जितने भी होना चाहिए हो रहे हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि कोशिश नहीं किया जा रहा है, बिल्कुल कोशिश किया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स जो फोर्सेस है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो और ओडिशा गवर्नमेंट की हो, और उसके साथ साथ हमारे फौजी इंक्लूडिंग इंडियन एयरफोर्स, ये सारे को मैं सराहना करना चाहते हैं, क्योंकि सारे अगर एनडीआरएफ ओडीआरएफ और सारे जवानों, सारे यहां के लोकल पुलिस, ये सबकी बिना मदद इतना लोगों को बचाना, राहत दिलाना, इन लोगों को ये हादसे की हालत से निकालना और अस्पताल में दर्ज कराना, ये बिल्कुल नामुमकिन थी। तो सबसे पहले ये सारे जो मेहनत किए हैं, और साथ साथ हमारे रेलवे ऑफिसर, और देखिए वहां जाके कितने लेबर, कितने हमारे मजदूरों ने दिन रात मेहनत कर रहे हैं ये आवागमन को दोबारा ये आवागमन को सामान्य करने के लिए। तो ये सब आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं, लेकिन बात यह कि ये घटना घटने की बात हो रहे हैं, मगर इस तरीके की अगर तत्परता हर जगह घटना घटने की पहले अगर होते तो हम लोग शायद इस तरीके की हृदय विदारक दर्दनाक जो हादसा हम देख रहे हैं ये ना देख कब मौका मिलते, ये ना देखना होते, क्योंकि बड़ी बड़ी बात कहना आसान होते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी बात कहने के साथ अपने इरादों को निभाना दूसरा होता है। कथनी होते और करनी, कथनी और करनी में फर्क ना होना चाहिए, ये हम सोचते हैं। देखिए दो चार चीज मैं बिल्कुल यहां आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं कि हमें ये अंतर्दर्शन करना पड़ेगी कि यह हादसा क्या टाला जा सकते थे या नहीं। वेदर दिस काइंड ऑफ एक्सीडेंट, अनप्रेसिडेंटेड रेलवे एक्सीडेंट कुड हैव बीन अवॉइडेड और नॉट,